कोई है जो अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना? जी, तो सबसे पहले जिन्होंने हाथ खड़ा किया भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राजपूत है। मनोज राजपूत, गुजरात राजकोट से आया हूँ। अच्छा जी, वाओ जी। गुजराती में मैं सुनील सर का डायलॉग बोलना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए। ए अंजलि, हूँ तने भूली जाऊ ए थई नहीं सके, अने तू मने भूली जा ई हूँ थावा नहीं दऊ। ये शक्ति जी और मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया ना, अभी उससे निकलना मुश्किल हो गया। कभी कभी मैं भी खुद ऐसे ही बोल देता हूँ। लेकिन गुजराती में नहीं बोला है? नहीं, हमारे गुजराती में ए आता है ना। ए तो बोल, ए बोल ना। मैं बोला ना पहले, ए अंजलि। तू ए नहीं बोला, ए बोला। तो लास्ट में बोला, ए वो अलग भाषा था, ए की भाषा पकड़। क्या करते मनोज जी आप? अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट आप जी? बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जी मैडम, आप कहाँ से हैं? हम काफी लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई है, लाइफ सेविंग जैकेट। हम लायंस क्लब से आए हैं। लायंस क्लब कहाँ से? लायंस क्लब बॉम्बे। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कितने लोग आए हैं लायंस क्लब से? हम 50-60 लोग हैं। अरे वाह, बहुत सारे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप अन्ना का डायलॉग बोलने वाली हैं? हाँ जी। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ओह जी। अंजलि नाउ उन्ने मार्क मुडियाद, நீ என்ன மறக்கவே நான் உன்னை மறக்கவே விட மாட்டேன். அண்ணா அப்போ தமிழ் சுதீப் சார் ஆப்னே சமஜா, பில்குல் சஹி போலா உன்னே. ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட். பர் ஜித்னே பியார் சே ஆப்னே போலா அஞ்சலி 10 ரூபாய் தேக்கே ஜாத்தி கி யே லோ. ஐ திங்க் அண்ணா ஷுட் ட்ரை வாட் தி லேடி டிட் இன் தமிழ். ஓ ஆ அண்ணா சோ மச் ஆஃப் தமிழ். அஞ்சலி, அஞ்சலி, ஏ அஞ்சலி, ஏ அஞ்சலி, நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது. நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது. முடியாது, முடியாது. உன்னை நான் என்னை மறக்க விட மாட்டேன். உன்னை நான் மறக்க மறக்க முடியாது. पंजाबी में सुनने का असर आ रहा था, उन्ने नान जिन्ने तू खादे उन्ने मैं खादे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो ये डायलॉग बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इस तरफ भी हैं। जी मैं निधि, रिधि, हरियाणवी में आपको। अच्छा जी, मजा आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। रे छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊ ये हो को नहीं सके, और तय मन्ने भूल जा या मैं होन को नहीं दू। अब यही किच्चा बोलेंगे जो आपने बोला। टेक अ डीप ब्रेथ। लेट्स रेड छोरी अंजलि, रेड छोरी अंजलि, रेड छोरी अंजलि, छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं, मैं तन्ने भूल जाऊं, ये हो को नहीं सके, ये हो को नहीं सके, और तय मन ने भूल जाए, अब आप समझे ना, मैं मलयालम नहीं सीखा। दो मिनट में कैसे रूप ही चेंज हो गया? शिष्य से गुरु। और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी। हेलो कपिल सर। अच्छा, पहले तो मन में ही बोल गए थे। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। सर मैं पंजाबी में डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अच्छा जी बोलिए। हाँ जी। अंजलि। हाँ जी। मैं तो हनु भुल जा। हाँ जी। अंजलि जी। हाँ जी। मैं तो हनु भुल जा, आ तो हो नहीं सकता, ते तुसी मेनू भुल जाओ, आ मैं हो नहीं दूंगा। पंजाबी तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो जो अंदाज होता ना पंजाबी, ओए अंजलि मैं तन्नू ना, अंजलि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तू मेनू भूल जाए मैं तेरे प्यो नू चक लेना। कहाँ से है ब्रदर आप? सर मेरा नाम सोनू है, बठिंडे तो वहीं रामपुरा फूला। अच्छा जी, बठिंडे से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो
सर मैं बंगाली में बोलूंगा. अच्छा जी, वेरी गुड. अंजलि आमी तुमा के भूले जाबो ए होते पारबे ना, और तुमी आमा के भूले जाओ ये आमी होते देबो ना. अंजलि आमी तुमा के भालोबासी. ये कहां से? They are feeling it more than you. Improvise, देखो, अन्ना देखो हमारी ऑडियंस. अच्छा बोला आपने. अच्छा बोला. अच्छा बोला. थैंक यू, शुक्रिया. और कोई है कदम जी? हेलो एवरीवन. हाय सर. हेलो. मैं ये डायलॉग भोजपुरी में बोल के दिखाऊंगी. वाह जी, बोलिए प्लीज. ए कमलेश, तू हमरा के भूल जाए, हम ही होए नहीं देबे. कमलेश कौन है? ए कमलेश अभी फंस गई आप. कमलेश कहाँ से आ गया? अंजलि था. सर है एक भाव नहीं देता. भाव नहीं देता. कमलेश, कमलेश भाव नहीं देता. भाव नहीं देता. और क्या भाव है कमलेश का? कमलेश का नाम क्या है? कमलेश ही है. ओ अच्छा. अच्छा आया साथ में कमलेश आया. नहीं नहीं भाव ही नहीं देता. बताई तो निरवा को बोलूं या मनो रवि रवि किशन को बोल दो. काम हो जाएगा. तो इसके माध्यम से आप उनको बोलना चाहती है? हाँ, उसको ताना मारना चाहती हूँ. तो कैमरा देख कर बोलो. ए कमलेश, हम तोहरा के भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है, और तू हमरा के भूल जा ऐसा हम होने नहीं देबे. इनके तेवर देख के मुझे तो समझ में आ गया कमलेश भाव क्यों. ये तो कैमरे में से आंख निकालने को बोल रहे हैं. इतनी छोटी सी है लेकिन अंदाज देखो. वाह थैंक यू मैम. नहीं वो वैसे कॉम्प्लीमेंट था नहीं. किचन सर आप ट्राई करेंगे कन्नड़ में? कन्नड़ा 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 कि मैं तुम्हें भूल जाऊं इन कन्नड़ा. ना निन्न मर्यादिकंतो साध्य ಇಲ್ಲ ನೀ ನನ್ನ ಮರಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ देखो ये एडवांटेज है भारी आवाज का. हाँ, मेरे को भारी करके बोलना पड़ रहा था तो लोगों ने जोड़ दिया उसमें. अच्छा आप सबको पता है अन्ना का जब हिंदी फिल्म में डेब्यू हुआ तो बलवान फिल्म से हुआ. अब कन्नड़ फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं अन्ना. यहाँ पे भी आप पहलवान के गुरु बने हुए. आपने सोचा हुआ है कोई भी भाषा में फिल्म करूं बनूंगा मैं पहलवानी? पहले ये भी मेरी पहली फिल्म ही है ना कन्नड़ की. मेरी पहली फिल्म है. जन्मभूमि है मेरी लेकिन मैंने कभी कन्नड़ फिल्म की नहीं थी. और पहली फिल्म है तो पहलवान और बलवान मैच भी होता है. और आई थिंक तमिल में बैलवान 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 तो दोनों को मिक्स भी कर दिए देखा. अच्छा वाओ. सो गुड फीलिंग. हमने ऐसा सुना है कि सुदीप सर ने इस फिल्म के लिए 15 किलो वेट लूज किया. इज इट ट्रू सर? जी. कैसे कर लेते सर? मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ 2 किलो कम करने की. 6 साल से. कल मैंने तोला अपना वेट 800 ग्राम ज्यादा निकला. बोल रहे 6 महीने से कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं पता नहीं. मेरे को कर रहे मैं कुछ करता हूँ, योगा वोगा करता हूँ थोड़ा बहुत. और बस नहीं होगा सर, कोशिश मत करो सर. अन्ना जब आपने पहली फिल्मों में डेब्यू किया बलवान से तब आपकी शादी हो चुकी थी ना? शादी जिस दिन आई थिंक मैंने डिसाइड की कि मैं फिल्में करूंगा आई थिंक तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी भी करूंगा. क्योंकि 9 साल से अफेयर चल रहा था, माँ बाप रेडी नहीं थे जी. अब माँ बाप रेडी हुए और फिल्मों की वजह से मैं ये नहीं चाहता था कि शी गेट्स इनसिक्योर अगेन. तो मैंने यही सोच लिया कि पहले शादी कर ले एंड इट इज़ बेटर क्योंकि फिर दोनों काम आराम से हो जाएगा. और वैसे ही हुआ. बड़ी अच्छी बात है. अन्ना ये बात कहाँ तक सही है कि आप माना मैम से पेस्ट्री शॉप में मिले थे पहली बार? फैक्ट है दुकान का नाम था पेस्ट्री पैलेस क्योंकि वहाँ स्नैकी और पेस्ट्रीज वेस्ट्रीज मिलते थे. और बाजू में ही एक वीडियो की दुकान थी. अच्छा. रोज शाम को वहाँ से वीडियो लेने आती थी. अच्छा. और मैं पेस्ट्री के दुकान पे मैटर एट पेस्ट्री पैलेस ओनली. I met her at Pastry Palace. हम लोग रोज मिलते थे वहाँ पर. Yeah, yeah, मतलब पूरा एक ग्रुप था. जैकी दादा हम लोग सब वहीं बैठ के बड़े हुए हैं. दो पॉइंट्स थे हमारे, एक तो पेस्ट्री पैलेस था और दूसरा स्कैंडल पॉइंट. स्कैंडल पॉइंट. स्कैंडल पॉइंट क्योंकि तब लड़का लड़की का मिलना यानी वो एक स्कैंडल था. आज के जमाने में जैसे ये होता था ना मुंबई में ही तो होता था. पंजाब में गर्दन पे थप्पड़ पड़ते हैं. नहीं मुंबई में भी होता था. तो वो हमारे पॉइंट्स थे. आपके प्रोड्यूसर भी है नदीम भाई जो है वो भी वही घुमा करते थे बाइक पे. हाँ क्योंकि हम लड़कियों के साथ रहते थे तो खुन्नस का लुक भी देते थे तो वो सब चलता था वहां पर. अन्ना अगर आपके टाइम पे इतना मुश्किल था, अर्चना जी आपके टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल होगा. हाँ
नहीं मैंने ऐसे सुना है, मतलब मैं एक ही टाइम अरे मुझे कोई बता रहा था, कह रहे जमशेद जी टाटा और आप क्लासमेट थे। सुदीप सर, आप जब एक्टर बने उसके पहले से आपको पूरा क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है कि आपने पहले कुछ और चीजें ट्राई की थी? नहीं सर, मैं आया डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा अच्छा, ये एक्सीडेंटल हो गया। अच्छा, एक्चुअली इंजीनियरिंग पढ़ता था मैं, आई एम एन इंजीनियर। आप भी इंजीनियर? एक और इंजीनियर। आप भी यानी कि जा सर, आप इस महीने कोई 11वें गेस्ट हैं जो इंजीनियर हैं। उसके पहले तापसी पन्नू आई, सोनू सूद आए, सुशांत सिंह राजपूत है, सब इंजीनियर हैं। सर कुछ गलत है सर? नहीं गलत नहीं है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का FTI या NSD में एडमिशन ना हो, आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद भी आप एक्टर बन सकते हैं। Sudeep sir, myself Bhoori. Hi. Hello sir, how are you? Good. Anna, how are you? Good, how are you? Sir, कैसे आप इतने टाइम बाद घर पे सब कैसे? How's Athiya? She's good, very Athiya क्या होता है? छोटी मैडम बोल। बहुत छोटी मालकिन कैसी हैं ये? तो आपको पता नहीं होता तो किनसे बात कर रही है? Excuse me, कप्पू जी, मुझे पता है मैं सुनील शेट्टी सर से बात कर रही हूँ, सुदीप सर से बात कर रही हूँ, लेकिन इट्स ओके, अपनापन है, हम सब एक ही इंडस्ट्री में हैं। अगर कैजुअली बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कितनी प्रॉब्लम है तुम्हें? जितनी उन्होंने फिल्में की ना, अगर उनकी DVD ऐसे से रखनी शुरू करो ना, तो तेरे से 2 फुट ऊपर चली जाए। सेम इंडस्ट्री ही है। कितने सर, शी इज ओवर फ्रेंडली। एक्सक्यूज मी सुदीप सर, इसको ना आइडिया नहीं है सर, आप इसको बताइए कि साउथ में भी मेरे कितने दीवाने हैं। तेरी शक्ल ही मेंदू बड़े जैसी है, तो तेरे को दीवाने क्या मतलब? सुदीप सर, इसका ब्लड टेस्ट कराया, इसमें वो बैगर पॉजिटिव निकला। क्या? कोई गेस्ट आते थे, चीजें मांगने शुरू कर देते। उस दिन अरुणा ईरानी आई, कहती बेटा फिल्म तो हो गई, उसके कपड़े मुझे मिलेंगे? अच्छा, मैं जब बुढ़ी हो जाऊंगी तो पहनूंगी। देखो फ्यूचर की कितनी सोचती है। देखो आप, कपू देखो, आज अगर बात भूरी के स्वाभिमान पे आएगी ना, आज नेशनल टेलीविजन पे सारे खुलासे होंगे। फिर खुलासे तो तेरे हो ही रहे हैं, रोज अखबारों में खबरें आती हैं, कभी सिलेंडर चोरी कर लिया, कभी नल। आप यकीन नहीं करेंगी अन्ना, उस दिन एक ना छोटा सा पपी कुत्ता खंबे पे हल्का हो रहा था, उसको उसी पोज में उठा लिया इसने। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। वो तो उस कुत्ते का मालिक ना धार का पीछा करते करते घर तक पहुंच गया। पीछे सर, सी हर फिंगर्स जली होंगी, थोड़ा जलता बल्ब उतार लेती है ना लोगों का बाहर से चुरा लेती है। कुछ भी बोलते रहोगे हंसाने के लिए? अच्छा, मैं कुछ भी बोलता हूँ और ये कुछ भी बोल दे, मजा आ रहा है। ये बम्बलबी प्रैंक की तुम क्यों बने बैठे हो आज? What kinds of rubbish English you are speaking? चलो अंग्रेजी क्या मांगता है तुमको? फ्रूट लो जो लेना है और चलो। तुम अगर बीच में टांग ना लड़ाओ ना, तो मैं एक्चुअली जो करना है शायद मैं कर लूं। ओके सर, पता है एक्चुअली हमारे शो पे पिछले हफ्ते प्रभास सर आए थे, लेकिन उस दिन मैं नहीं आई, पूछिए क्यों? मैं बता देता हूँ, उन्होंने खुद ही मना किया था। प्रभास ने, वो कह रहे थे तुम्हारे शो में एक वो लड़की है ना जो देवसेना के अंगूठे जैसी, उसको डोंट अलाउ हर, ऐसा उन्होंने बोला था, मैं बता रहा हूँ। तुम ज्यादा ना बाहुबली मत बनो, पता चले मुझे कटप्पा बनना पड़े। वाह। नहीं सर, एक्चुअली बात यह है कि वो शो पे आने से पहले ना प्रभास ने मुझे मैसेज किया, भूरी आज अगर तुम स्टेज पे आ गई ना, तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल हिल जाएगा। वाह, जिसको पैदा करने के बाद घर वालों ने ये सोचा कि काश हमने उस रात कहीं और कंसंट्रेट कर लिया होता। ये कंसंट्रेशन हिलाएगी तू? क्या करने आए हो? क्या मांगता है तुमको? क्या मांगता है? क्या मांगता है तुमको? मुझे कुछ नहीं मांगता सर, मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा, उसमें जब देसी स्टाइल प्रैक्टिस करते हो ना, मैं इंस्पायर होके थोड़ा बहुत मैं भी करने लगी हूँ। जैसे आप टायर बांध के नहीं चलते, तो ये क्या करती है, स्कूटर का स्टपनी उठा के पीछे बांध के भागती है, घर लेके जाती है। तो पकड़ी जाती है तो बोलती है आई वाज प्रैक्टिसिंग। ऐसे मैं क्यों टायर खोलूंगी कप्पू? मेरे इशारे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती हैं, तो मैं क्यों टायर? इशारे पे क्या रुकती है, वैले पार्किंग में काम करती है तो रुकी जाती ना। अन्ना ये 10 रुपए ट्रिप के चक्कर में ना बड़े बड़े अमीरों के ड्राइवरों को मसाला मल के देती है। वो
मेरे प्ले में कैरेक्टर था जिसकी मैं ट्रेनिंग कर रही थी, मैं सीता यारी कर रही थी उस कैरेक्टर की. सर एक्चुअली आप दोनों को मेरी एक्टिंग देखने के लिए मेरा प्ले देखना चाहिए. आई एक्चुअली गिव एन आउटस्टैंडिंग उनको क्यों देखनी, वो सुपरस्टार है ऑलरेडी. तेरा क्यों क्यों तेरी एक्टिंग देखेंगे भी, आउटस्टैंडिंग होती है. मैं बताता हूँ आउटस्टैंडिंग इसका, जाओ प्ले देखने आप. पहले तो लोग स्टैंड होते हैं फिर आउट होते हैं और उसके बाद बाहर जाके वो बड़ा ताला लगाते हैं, बोलते टिकट के पैसे दो नहीं तो पुलिस बुलाएंगे. उस दिन भी नौटंकी में बंदर का रोल किया, केले लेके भागी उनके. मेरे को मजबूर करती है जुबान खोलने के लिए. नहीं नहीं अब चुप क्यों हो गया, आगे बोलो जो आगे कैरी आगे क्या आगे लंगूरों ने घेरा इसको कुछ करके. अच्छा कहते हमारे केले इधर रख. ऊपर से शर्मिंदगी नहीं हो रही, ऊपर से उनको बोल रही है गाइस लिसन आई एम फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी ओके. ये कहाँ से लाते हो ये बात? नहीं नहीं आज बता दो सबको कि तुम ये वाहियात बातें कहाँ से लाते हो. जहाँ से तुम्हारे चेक आते हैं वो कभी पूछा तुमने? अंबानी के बाद कोई दूसरा है जो पर मिनट के हिसाब से पैसे कमाता है. 5 मिनट काम नहीं किया, 6 घंटे से बाहर स्टेटस डाल रही है हैशटैग आई लव माय जॉब हैशटैग दिस एंड आधा दर्जन कॉफी पी चुकी है ना, 4 स्पॉट बॉय थक चुके हैं इसके चक्कर में. अच्छा ना मैम आप कुछ बोलिए ना इसे. वो तो खुद यही कर रही, वो क्या बोलेंगी. यस किचन सर अपनी फिल्म से 2-3 पहलवान लाइए, उनको उठा के ले जाए बस. आज इस शो पे पहलवान आएंगे लेकिन मुझे निकालने के लिए नहीं. अच्छा तुम्हें भूरी का क्रेज दिखाने के लिए. ओके सर एक्चुअली 2 पहलवान हैं जो मुझसे शादी करना चाहते हैं एंड आई एम वेरी कंफ्यूज, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए टू चूज हु इज द बेस्ट अमंग. मैं उन्हें बुलाती हूँ. एक्सक्यूज मी आइए प्लीज. आइए. रिस्पेक्ट. ये पहलवान अखाड़े से है कि लेडी संगीत से? ये क्या है? एक सेकंड आप खड़े क्यों हैं, कुछ बोल दीजिए. नहीं बेबी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. यू मैरी मी? सौ लोगों को कितना क्रश है मेरे ऊपर. आप जाइए मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगी. अरे चूज नहीं किया बाद में. ये कपड़े पहने के चिपकाए हैं तुम लोगों ने. उनको बोलो सही से बताओ क्या करने आए हो, तो हमारे भी पहलवान है उधर. प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर, ये बुरी मैडम है ना, इन्होंने हमें कहा था कल आकर तुम मुझे प्रपोज कर दो तो आपका अकाड़ा साफ कर दूंगी. तो ये जो दोनों आए थे शाहरुख और सलमान जो आए थे तुम्हारे, ये पसंद करते हैं तुम्हें? अरे सब पहलवान की ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं सब, और जब मूवी आएगी मूवी को भी सब पसंद करेंगे. जोरदार तालियां पहलवान मूवी के लिए. अन्ना आप तो जानते ही हैं सुदीप सर, हमारे आर्टिस्ट की ये खासियत है जब पकड़े जाते हैं ना तो चापलूसी पे उतर आते हैं. चलो छोटी वाली नाशपाती लो. चलो छोटी क्यों, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी. ऑल द बेस्ट सर बाय. सुदीप सर अन्ना कुछ अफवाहें हैं मार्केट में उड़ती रहती ना, हम यकीन नहीं करते. हाँ. हम सामने से कंफर्म करते हैं, तो 5-6 अफवाहें मैं एक एक करके पूछता हूँ. अन्ना आपके बारे में अफवाह है कि आप अपनी कार में जैक नहीं रखते क्योंकि टायर बदलने के लिए आप खुद ही गाड़ी ऐसे उठा देते. वो वक्त हमारा था, अब कहाँ है वो. आए अन्ना वक्त आज भी आप ही का है, तो मतलब ये अफवाह है ना? अफवाह है. अफवाह है ओके. सुदीप सर बोलते हैं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपको रीमेक किंग बोलते हैं, ये अफवाह है कि सच है? सर किंग ठीक है सर. रीमेक नहीं, रीमेक वो बात करते हैं सर. ओके अच्छा अन्ना एक और अफवाह है, कहते आप और सनी देओल दोनों के जो डांस डायरेक्टर हैं वो एक्शन डायरेक्टर असल में. अभी भी पिटेगा. सही है. और अगर डांस डायरेक्टर भी हो तो हम लोग करते हैं एक्शन जैसे ही. वो हमारी खूबी है. सुदीप सर एक अफवाह आपके बारे में है कि मक्खी फिल्म के बाद आपने वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है जिसमें आप मक्खी मारना सिखाते हैं. सुदीप सर एक अफवाह ये है कि जापान में च्युइंगम के कवर और मोबाइल के कवर पे आपकी फोटो लगी मिलती है. रियली? जी सर. रियली? हाँ. वाओ. इनके फैंस ने वहाँ पे बहुत सारे ऐसी मर्चेंडाइजिंग है. अन्ना एक अफवाह है कि आपने महिमा चौधरी की कार में सांप डाल दिया था. गलत, लेकिन वो आज भी सोचती है कि सांप मैंने डाला था. मुझे खुद को सांप से इतना डर है.
तो मैं कहाँ डालूंगा? पर किसने डाला था? पर ऐसा इंसिडेंट हुआ था और इधर ही फिल्म सिटी में ही हुआ था। पर किसने डाला था? You must be knowing। बारिश आ रही थी, it was raining like crazy, तो सांप भी बचा। हाँ, real सांप। वो इंजन में चला गया था क्योंकि they need heat ना। तो अन्ना सांप को कैसे पता इधर इंजन होता है? Heat। अच्छा heat की वजह से। हाँ, heat की वजह से। अच्छा। ये एनिमल बड़े चालू होते हैं, इनको पता होता रहता है सब। ओके अन्ना, एक अफवाह ये भी है, आपके पास कई बार फोन आ जाता है कि अन्ना जी एक अनशन पे बैठना है, फिर आप उनके बताते हो कि मैं वो अन्ना नहीं हूं। ओके ये अफवाह ही है एक्चुअली।